सभी को जय जिनेन्द्र। हम सभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्लोक नंबर 9 का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अस्ति पुरुषश्चिदात्मा इस शब्द के अंतर्गत चेतना के विषय में बतलाते हैं। चेतना दो प्रकार की है, एक ज्ञान चेतना और दूसरी दर्शन चेतना। जो पदार्थ को विशेषता से साकार रूप प्रदर्शित करे अर्थात जाने, जो किसी भी वस्तु के आकार को ग्रहण कर सके उसका नाम है ज्ञान चेतना, और जो सामान्य रूप से निराकार रूप प्रदर्शित करे या मात्र सामान्य अवलोकन प्रतिभास आभास जिसमें आए उसका नाम है दर्शन चेतना। यही चेतना परिणमन की अपेक्षा से तीन प्रकार की होती है, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। ज्ञान चेतना जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप परिणमन करती है, जैसे अरहंतों और सिद्ध भगवंतों की। दूसरी कर्म चेतना जो कि रागादिक कार्य रूप परिणमन करती है हम संसारी जीवों की। और तीसरी कर्म फल चेतना जो कि सुख दुख आदि भोगने रूप परिणमन करती है, अर्थात जो मात्र कर्म के फल रूप सुख और दुख को भोगती है उनके प्रति कुछ कर नहीं सकती, जैसे स्थावरों की चेतना। इस प्रकार यह तीन प्रकार की चेतना यहाँ पर बतलाई गई।